हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम एफ कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एफ कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स से एज़ इट इज़ सेम क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं आपके अपकमिंग एफ कैट के एग्जामिनेशन में। तो आज हम एफ कैट 2012 का क्वेश्चन पेपर में जो जीके का पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जीके एक ऐसा पार्ट है जिससे कि कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जो कि लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये जीके से एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एफ कैट के एग्जामिनेशन में। सो दैट इज़ वाई वी आर कवरिंग जीके पार्ट, राइट। पिछली वीडियोस में हम एफ कैट 2011 एंड एफ कैट 2012 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। इन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एफ कैट की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, देखिए अगले वीडियोज में हम बाकी के जो एफ कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उनको कवर करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following had discovered the Brahmi script in 1838? तो देखिए, जॉन्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था इन 1838। और देखो, हम क्वेश्चंस को फटाफट कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बिकॉज जो ये क्वेश्चंस होंगे ये ऑलमोस्ट एज इट इज़ ही रिपीट होते हैं विद सेम लाइन एंड सेम ऑप्शंस, राइट। तो आप क्वेश्चन और आंसर्स को याद रखिए, राइट। तो देखिए, ब्रह्मी स्क्रिप्ट 1838 में जॉन्स प्रिंसेप के द्वारा डिस्कवर की गई थी और ये क्वेश्चन काफ़ी बार मल्टीपल एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडिएवल इंडिया। तो शेरशाह सूरी को एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मिडिएवल इंडिया जाना जाता था, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 इज, ब्रह्मा समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, सभी एग्जामिनेशंस में काफ़ी लंबे समय से ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 इज, हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ओइंग टू रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन ऑफ इनकम्बेंट और अदरवाइज। देखिए, यदि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यदि ये दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं, किसी भी वजह से ये अवेलेबल नहीं हैं, डेथ हो गई हो या रेजिग्नेशन दिया हो या उनको रिमूव कर दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो इनकी जो पावर्स होंगी, जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको वो संभालेंगे, ओके। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद विच स्पोर्ट इज लुइस हैमिल्टन एसोसिएटेड। लुइस हैमिल्टन एसोसिएटेड हैं फॉर्मूला 1 से, ओके। फॉर्मूला 1 रेस, जो कारों की रेस जो होती है, राइट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी कैंडिडेट्स को पता होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल फ्रॉम। ओके, तो देखिए, राफेल नडाल स्पेन से हैं, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं, राइट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन बॉक्सर वन द गोल्ड मेडल इन 60 किलोग्राम्स कैटेगरी इन एशियन गेम्स एंड बिकेम द यंगेस्ट टू विन ए बॉक्सिंग गोल्ड फॉर इंडिया। देखिए, ये 2010 और 12 का क्वेश्चन है। तो 2010 में मिस्टर विकास कृष्णन यादव ने, हु इज़ फ्रॉम हरियाणा, ही वन गोल्ड मेडल इन द कैटेगरी ऑफ 60 किलोग्राम्स इन एशियन गेम्स फॉर इंडिया एंड ही बिकेम यंगेस्ट बॉक्सर टू विन बॉक्सिंग गोल्ड फॉर इंडिया, ओके। तो ये क्वेश्चन 2010 और 12 का है। अभी हो सकता है कि ये जो स्टेटिक्स हैं ये बदल गए हों, जैसे कि यंगेस्ट वाली जो बात है, हो सकता है ये बदल गई हो, ओके। हो सकता है कोई और भी यंगेस्ट बन गया हो, लेकिन ये उस टाइम का क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर कवरिंग 2012 एफ कैट क्वेश्चन पेपर, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास कृष्णन यादव, हु इज़ फ्रॉम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28 इज, इन 2010 लिएंडर पेस, और देखो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, उस टाइम का इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म प्राइम वेक्टर इन एस्ट्रोनॉमी इज डिफाइंड एज। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विच इज द वर्टिकल सर्कल विच पासिस थ्रू द ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट ऑफ द होरिजोन एंड इज एट राइट एंगल्स टू द मेरिडियन ऑफ द प्लेस। ये इसका आंसर है, ये अर्थ एंड जेनिथ, इनसे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 1। देखो, ज़्यादा डिटेल में अब समझने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप ये क्वेश्चन और आंसर याद रखिए, ओके।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनरेगा स्टैंड्स फॉर, देखो मनरेगा की फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज रिवर झेलम इमर्जेस फ्रॉम, इट इमर्जेस फ्रॉम द स्प्रिंग एट वेरीनाग इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए झेलम रिवर से रिलेटेड 2011-12 इन दोनों ईयर्स में दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि रिपीट हो चुका है। पिछले पेपर में पूछा गया था कि श्रीनगर किस रिवर के बैंक पर है, और देखो इसमें ये पूछा गया है कि झेलम रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि कहाँ से इमर्ज होती है। तो ये होती है स्प्रिंग एट वेरीनाग विच कम्स इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 32 इज हेमेटाइट ऑर्स इज द ऑर ऑफ विच मेटल। तो देखिए हेमेटाइट ऑर्स जो होते हैं ये आयरन के ऑर होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देखो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33 इज ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, सेल्फ डिपेंडेंस इन मिल्क प्रोडक्शन। देखो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही बात है, सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज सेल्फ डिपेंडेंस इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन विच इज रिलेटेड टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 इज न्यूक्लियर सबमरीन अक्विला हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू इंडिया रिसेंटली बाय रशिया। देखिए ये अक्विला क्लास की जो सबमरीन है ये हमने रशिया से लीज पर ली थी 2012 में, ओके, और अब इसका टाइम भी पूरा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज रशिया। एंड क्वेश्चन नंबर 35 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रेग्रेंस ऑफ फॉरगॉटन ईयर्स। तो देखिए ये बुक लिखी गई थी मिसिज बिल्किस लतीफ के द्वारा, हु इज फ्रॉम तेलंगाना एंड शी वॉज अ सोशल वर्कर एंड एन ऑथर, ओके। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओल्ड बुक्स हैं उससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कई टाइप्स की बुक्स होती हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, स्ट्रेटजी टू परफॉर्म वेल इन जी के पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 36 इज ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से है। वर्टेब्रेट्स हैव टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन नेमली, ओके। देखिए वर्टिब्रेट्स में दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनके क्या नाम है, यानी कि इन ग्लैंड्स का क्या नाम है। तो ये है पिट्यूटरी एंड पिनील, ओके। ये देखो साइंस की टर्म है, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। लेकिन आप इसको याद रखिए, एक दो बार अपने माइंड में से निकाल लीजिए, दोहरा लीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा, ओके। पीपी आपको याद रखना है, हालांकि पीपी तो तीन ऑप्शन में है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, पिट्यूटरी एंड पिनील, राइट। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर कॉमन टू टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स कॉल्ड मिडल लामेला इज कंपोज्ड ऑफ। देखिए टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच की जो एक कॉमन लेयर होती है जिसको मिडल लामेला बोलते हैं, ये किसका कॉम्पोजिशन होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम पैक्टेट का, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ओके। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये समझ ना आए लेकिन आप याद रख लीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होते हैं बिकॉज इनमें कैंडिडेट्स फंसते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इज विद द इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द साइज ऑफ द एटम और आयन। देखिए जैसे ही किसी एटम या आयन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो उस एटम या आयन के बाहरी एरिया पर जो उसकी परत होती है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है, और जब वो उनको अट्रैक्ट करता है तो इस एटम और आयन की रेडियस कम होती है, और रेडियस कम होती है तो वॉल्यूम एंड साइज कम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज डिक्रीजेस, उसका साइज कम होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो मैटर की काइनेटिक थ्योरी है वो किन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है, यानी कि उसके स्टेटमेंट्स क्या हैं। ये भी साइंस का क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो देखे हैं 3-4 क्वेश्चंस लगातार, ये सभी साइंस के क्वेश्चंस हैं, ओके। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखो पहला ऑप्शन है मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूल से बना होता है मैटर। ऑप्शन नंबर बी इज मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड मोशन, बिल्कुल सही बात है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही तेज zigzag वे में मोशन करते रहते हैं। सी ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वन अदर, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैपिडली zigzag वे में मोशन करते हैं ये आपस में अट्रैक्शन भी फील करते हैं,
ओके, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विच इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के स्टेटमेंट हैं, राइट, जो कि काइनेटिक थ्योरी को डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्टियरी अमीन्स गिव्स आइसोसाइनाइड्स, गिव्स साइनाइड्स, डू नॉट गिव आइसोसाइनाइड्स बोथ ए एंड बी। देखो इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फंसेंगे जो तुक्का लगाएंगे, और एब्सोल्युटली एकदम क्रिस्टल क्लियर आंसर तो बहुत ही कम बच्चों को पता होगा जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, और साइंस वालों को भी इतना डीप में नहीं पता होता क्योंकि इतना डीप में बहुत ही कम लोग जाते हैं। ओके, तो देखिए जब क्लोरोफॉर्म को सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्टियरी अमीन्स के साथ में हीटअप किया जाता है सो इट डजंट गिव आइसोसाइनाइड्स, राइट। आइसोसाइनाइड दिया जाता है लेकिन ये सेकेंडरी और टर्टियरी अमीन्स की प्रेजेंस में नहीं दिया जाता है जब हम क्लोरोफॉर्म को हीटअप करते हैं इनके साथ में। ये दूसरी अमीन्स होती हैं जिनके साथ में ये आइसोसाइनाइड्स देता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्टियरी अमीन्स के साथ में इट डजंट गिव आइसोसाइनाइड्स, सो इट विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ओके, तो देखो ये हैं FKET 2 2012 के क्वेश्चन पेपर के GK वाले पार्ट, और इन क्वेश्चंस के आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसी टाइप के FKET के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कवर कराऊंगा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर एक्टिव कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, लिंक ऑफ टेलीग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।